नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। जगतगुरु रामंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर के द्वारा प्री शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे तथा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा जगतगुरु रामंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ऑनलाइन फॉर्म ऑफ PSST, PSSSTP एंड PSAT 2021 से 2022 दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। इससे पूर्व वीडियोस में हमने एडमिशन सेशन 2021 से 2022 ऑनलाइन काउंसलिंग एडवर्टाइजमेंट संक्षिप्त विज्ञप्ति प्री शिक्षा शास्त्री PSST 2021 प्री शास्त्री शिक्षा शास्त्री PSSSTP 2021 के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। इन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री शिक्षाचार्य PSAT 2021 के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है सामान्य दिशा निर्देशिका। प्री शिक्षाचार्य परीक्षा PSAT 2021 हेल्पलाइन नंबर एंड इंटरनेट वेबसाइट का जिक्र यहां किया गया है। बात करेंगे महत्वपूर्ण तिथियों के संदर्भ में। रजिस्ट्रेशन की दिनांक 15/7/2021 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन भरने की दिनांक है 15/7/2021 से 12/8/2021 तक, अर्थात हम 15/7/2021 से 12/8/2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पात्रता के संदर्भ में अगर हम जानकारी लें तो शिक्षा शास्त्री या BEd संस्कृत शिक्षण विषय सहित सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 55% अंक, अजा जज्जा अनुसूचित जाति जनजाति OBC TSP SBC एवं विकलांग के लिए 50% होने चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षा शास्त्री या BEd संस्कृत शिक्षण विषय सहित सामान्य वर्ग के लिए जो न्यूनतम प्रतिशत है उत्तीर्णांक है 55% होना चाहिए और अन्य जो जातियां हैं उनके लिए 50% होना चाहिए, तो ही हम आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया दी गई जो वेबसाइट है उस पर संपन्न होगी। ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में हम जल्दी ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आने वाले हैं। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क राशि यहाँ 500 रुपये निर्धारित की गई है जिसे हम ऑनलाइन जमा करा सकेंगे। हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरकर उसका प्रिंट ले ले एवं परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, हार्ड प्रति एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रति अपने पास सुरक्षित संभाल कर रख लें, जिन्हें काउंसलिंग के उपरांत विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करवाना आवश्यक है। परीक्षा केंद्र आवंटन में समन्वयक PSAT परीक्षा 2021 का निर्णय अंतिम होगा। नोट या महत्वपूर्ण जो नोट हैं दिए गए हैं, परीक्षार्थी अपना मोबाइल नंबर सही भरें ताकि परीक्षा संबंधी सूचना SMS के माध्यम से संबंधित मोबाइल नंबर पर यथासंभव दी जा सके। आवेदक अपना पत्र व्यवहार का पूर्ण पता में पिन कोड आवेदन पत्र में सही अंकित करें ताकि आवश्यकतानुसार पत्राचार किया जा सके। ऑनलाइन आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन ही जमा करें तथा इनकी प्रिंट प्रतियां प्राप्त कर छात्र स्वयं के पास सुरक्षित रखें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर निर्धारित वेबसाइट का अवलोकन करें। इसी के साथ में RBSC विद HSM चैनल को भी सब्सक्राइब किया जा सकता है। विश्वविद्यालय एक परिचय यहाँ दिया गया है, इसे हम आसानी से अवलोकन कर सकते हैं।
प्री शिक्षाचार्य टेस्ट महत्वपूर्ण निर्देश। शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा हेतु मार्गदर्शन है। शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा में 3 घंटे की अवधि का 1 प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में 200 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और सभी प्रश्नों के 4 बहुविकल्पनात्मक यानी MCQ जो क्वेश्चन है यहाँ रहेंगे। अभ्यर्थी दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन सही उत्तर के रूप में करेगा। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 अंकों के होंगे तथा नकारात्मक अंकन नहीं होगा। प्रश्न पत्र संस्कृत माध्यम में होगा। प्रश्न पत्र के 5 भाग होंगे। प्रत्येक भाग के 40 अंकों का होगा। प्रत्येक भाग 40 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र कुल 200 अंकों का होगा। पाठ्य बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं जो सिलेबस हैं। शिक्षा के सामाजिक दार्शनिक आधार 40 अंक का होगा। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार 40 अंक का होगा। शिक्षा इतिहास समस्या प्रबंधन एवं शैक्षिक तकनीकी 40 अंक। संस्कृत विषय ज्ञानम 40 अंक। संस्कृत शिक्षण अधिगम 40 अंक का होगा। BEd जो पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन किया जा सकता है। शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 2022 में प्रवेश के लिए जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा प्री शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। एतार्द विश्वविद्यालय द्वारा प्री शिक्षाचार्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की शिक्षा शास्त्री या BEd संस्कृत शिक्षण विषय सहित में सामान्य वर्ग के लिए 55% अंक तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष पिछड़ा वर्ग दिव्यांग विधवा एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य है। साथ ही अन्य प्रवेश अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी भी प्री शिक्षाचार्य परीक्षा के माध्यम से शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में आवेदन करने योग्य हैं। शिक्षाचार्य की कुल यहाँ सीटों में से 70% स्थान पारंपरिक धारा अभ्यर्थियों के लिए तथा 30% स्थान आधुनिक धारा BEd संस्कृत शिक्षण विषय सहित उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए है। शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में कुल 50 स्थान है यानी सीटों की जो संख्या है वो 50 होगी। प्री शिक्षाचार्य टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची बनाई जाएगी। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राजस्थान राज्य के मूल निवासी पात्र होंगे, परंतु प्रवेश क्षमता की कुल सीटों में 5% सीटों पर राज्य से बाहर के जो आवेदक को मेरिट में प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते उनका मेरिट सामान्य वर्ग की वरीयता सूची में आना चाहिए। आरक्षण के संदर्भ में यह जानकारी दी गई है। स्पष्टीकरण दिया गया है, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही जो आरक्षण का लाभ है दे होगा। मेरिट के आधार पर यहाँ सिलेक्शन होगा। सामान्य टेस्ट प्रश्न एवं उत्तर का चयन हम यहाँ देख सकते हैं आसानी से। प्री शिक्षाचार्य परीक्षा केवल जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय केंद्र पर ही होगी। प्री शिक्षाचार्य परीक्षा में कुल 200 अंकों का 1 प्रश्न पत्र होगा जिसका माध्यम संस्कृत होगा। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पनात्मक यानी MCQ उत्तर सहित 200 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन सही उत्तर के रूप में करें। सभी प्रश्न 1-1 अंक के होंगे तथा नकारात्मक मार्किंग नहीं होगी। तो यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होने वाली है। सत्र 2021 से 2022 में कट ऑफ मार्क जारी नहीं करने की व्यवस्था नहीं की गई है। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्न के सही उत्तर चुनकर दिए गए उत्तर परपत्र में प्रश्न क्रमांक के अनुसार काली शाही के बॉल पेन से पूरे गोले का गहरा काला करना चाहिए। निशान गहरा काला और गोला पूरा भरा होना चाहिए। प्रश्न पत्र के उत्तर के लिए केवल एक गोले को गहरा काला करना चाहिए। उत्तर पत्रक पर इधर उधर कहीं कोई निशान नहीं लगाएं। उत्तर पत्रक पर रफ कार्य नहीं करना चाहिए। टेस्ट बुकलेट में रफ कार्य के लिए स्थान दिया हुआ है जिस पर अपना नाम अपना रफ कार्य कर सकते हैं। मूल्यांकन केवल उत्तर पत्रक OMR शीट पर आपके द्वारा
की गई गोलों के आधार पर ही किया जाएगा। टेस्ट पुस्तिका परीक्षा समाप्ति के पश्चात संबंधित शिक्षक को लौटाना होगा। सभी अभ्यर्थियों की योग्यता सूची प्री शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर तैयार की जाएगी। तो यहाँ पूर्ण रूप से जो मेरिट के आधार पर जो सिलेक्शन है किया जाएगा। प्री शिक्षाचार्य परिणाम में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर मेरिट का आधार उनकी शिक्षा शास्त्री या बीएड परीक्षा संस्कृत शिक्षण विषय सहित के प्राप्तांक होंगे, और यदि शिक्षा शास्त्री या बीएड परीक्षा संस्कृत शिक्षण विषय सहित के अंक समान होंगे तो जन्मतिथि को आधार माना जाएगा, अर्थात उम्र की अधिकता से वरीयता दी जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में यह जानकारी दी गई है। परीक्षार्थियों के लिए जो आवश्यक जो निर्देश हैं दिए गए हैं, एग्जाम जैसे प्रारंभ होगा इसके संदर्भ में भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रश्न पत्र का जो प्रारूप यह दिया गया है कि किस प्रकार का जो प्रश्न पत्र है पूछा जाएगा। एग्जाम की तैयारी के लिए हम बीएड में जो चार पेपर आते हैं उन्हीं पेपरों का अध्ययन अगर हम करें तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा जो विषय का पेपर है उसका अध्ययन आप अवश्य करें। तो इस तरह से बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम से यहाँ प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। इस पीडीएफ फाइल का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है और इस वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमें अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। एसएसओ आईडी के माध्यम से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व यूज़र मैनुअल फॉर PSST 2021 का अवलोकन आप अवश्य करें। इसी के साथ में यूज़र मैनुअल फॉर PSAT 2021 इसका अवलोकन भी आप अवश्य करें, ताकि ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं किया जा सके। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध व्हाट्सएप ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन करें, अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। जगतगुरु रामंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए GRRSC व्हाट्सएप ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने के पश्चात ऑल पर क्लिक करें, ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचाए जा सके। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSC विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।